नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटा पास्ता। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटा पास्ता। पास्ता बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन के अंदर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगी, ये डेढ़ गिलास के करीब है। पानी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी तेल डाल सकते हैं, पर सरसों का तेल ना डालें। और पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पास्ता। मैं 2 कप पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पास्ते को हमें उबालना है अच्छे से। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें पास्ते को उबालना है। ध्यान रखें फ्रेंड, गैस का फ्लेम तेज ना करें। और पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 1 से 1.5 गिलास। पास्ते के बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है, हम इसे 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे। मैंने एक बार फिर चला दिया है, बीच बीच में चलाते रहें। और आप देख सकते हैं पास्ते को उबलते उबलते 5 से 7 मिनट हो गए हैं। फ्रेंड, कई लोग कहते हैं कि हमारा पास्ता जो है वो चिपका चिपका बनता है, तो आप जब भी पास्ते को उबालें उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दें। और जब आप इसको छानें तब भी इसके अंदर हल्का सा तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें, फिर आपका पास्ता भी खिला खिला बनेगा। आप देख सकते हैं पास्ता जो है वो उबल गया है अच्छे से। मैंने इसे 7 मिनट तक उबाला है मीडियम फ्लेम पर। गैस को बंद कर देंगे, इसे छन्नी से छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी ना डालें, नहीं तो पास्ता टेस्टी नहीं बनेगा। इसे इसी तरह ठंडा होने दें। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, आप इसे स्टार्टर के रूप में भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी बना सकते हैं, बर्थडे पे कोई छोटी मोटी पार्टी हो तब भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना तो आपने देख ही लिया है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तेल के अंदर उसे मैंने अच्छे से भून लिया है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपको पास्ता नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम पूरा पास्ता बनाएंगे। अब मैंने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसे भी हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। ध्यान रहे प्याज को हमें पकाना नहीं है, इस पे गोल्डन कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। प्याज के अंदर क्रंचीपन रहना चाहिए। 1 हरी मिर्च ली है मैंने बीज निकाल के, ये तीखी वाली हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, आप इस तरह एक बार पास्ता बना लेंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे, इतनी गारंटी है, क्योंकि ये खाने में इतना टेस्टी बनता है। देखिए, प्याज जो है हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। मैंने 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसे लंबा लंबा काट लिया है। आप इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, पर मैं शिमला मिर्च और प्याज का ही यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें येलो शिमला मिर्च डाल सकते हैं, रेड शिमला मिर्च डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने डाला है काला नमक, सिंपल नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 चम्मच ओरिगानो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रखें फ्रेंड, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम चिली फ्लेक्स डालें। और चाट मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच,
इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने नमक भी डाला है, इस बात का ध्यान रखें। चाट मसाला भी कम ही डालें। पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे आधी चम्मच। फ्रेंड, अगर आपको चटपटा पास्ता पसंद है तो ही पिज़्ज़ा सॉस डालें, वरना ना डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस ना डालें। और इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच वेनेगर, 2 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर सोया सॉस। सोया सॉस आप अपनी मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कई लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो वो आपके टेस्ट के ऊपर है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच टमाटो सॉस। आप इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन चिल्ली का यूज़ नहीं किया है, तो आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं फ्रेंड। और 1/4 चम्मच डाल देंगे हम काली मिर्च का पाउडर। मैं ये पास्ता थोड़ा चटपटा सा बना रही हूँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालें। मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है इसकी सॉस को थिक करने के लिए। और सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लोर घोल लिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इससे हमारी सॉस जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और पास्ते के ऊपर अच्छे से लिपट जाएगी। और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड, आप एक बार इस तरह से पास्ता बना लेंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पास्ता आपका बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं सॉस हमारी अच्छे से पक गई है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसके अंदर हमारा खिला खिला सा पास्ता डाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरा पास्ता जो है बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम खिला खिला सा है। आप इस तरह से पास्ता बनाएंगे ना फ्रेंड, तो आपका पास्ता भी एकदम खिला खिला बनेगा, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें तो आपका भी पास्ता जो है एकदम खिला खिला और टेस्टी बनकर तैयार होगा। रेस्टोरेंट भी का पास्ता खाना भूल जाएंगे फ्रेंड जब आप घर में ऐसा पास्ता बनाएंगे। इसे मिक्स करते हुए हम 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि सॉस जो है हमारे पूरे पास्ते के अंदर अच्छे से लिपट जाए। बहुत ही चटपटा टेस्टी पास्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके ऊपर कलर आया है। दिखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। गैस को बंद कर देंगे और इस पास्ते को हम 1 सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा चटपटा सा पास्ता तैयार है खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर बच्चों के लिए बनाएं तो मसालों और सॉस थोड़ी कम कर दें, पर ये बड़ों के लिए है तो बहुत ही चटपटा सा पास्ता तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़का है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है फ्रेंड। एकदम सिंपल तरीके से पास्ता बनाया है, बहुत ही टेस्टी पास्ता बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह टेस्टी पास्ता कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एक तरह रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।